वैसे झारखंड में अपने तीखे बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले इरफान अंसारी एक बार फिर से अब चर्चों में हैं, सुर्खियों में हैं। विधायक इरफान अंसारी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पूर्ण रूप से पतन हो जाने का दावा किया। बीजेपी के पतन की शुरुआत उन्होंने पश्चिम बंगाल से हो जाने की बात से कही है। अपनी बातचीत में उन्होंने पीएम मोदी पर भी विशेष रूप से टिप्पणी की, साथ ही अगले चुनाव के लिए राहुल गांधी को योग्य उम्मीदवार भी बताया है। समाप्त हो गई और बंगाल से ही इसकी शुरुआत हो गई और ये थमने वाला नहीं है। देखिएगा, ये केंद्र तक जाएगा और 2024 में तख्ता पलट होगा, ये इरफान अंसारी कह रहा है। आपने देखा होगा घमंड, ओवर रिएक्ट जनता बर्दाश्त नहीं करती। जनता को लगा था कि इन्हें चाय बिकने वाला प्रधानमंत्री बना है। जनता ने सेंटिमेंट के साथ वोट दिया, चलो भाई चाय वाला का कुछ उत्थान होगा। यहाँ चाय वाला का उत्थान क्या है, यहाँ तो लगता है कि बड़ा बड़ा कंपनी का उत्थान हो रहा है, अदानी का उत्थान हो रहा है। अंबानी कुछ नहीं था, अडानी कुछ नहीं था, आज देश का सबसे सुपर पावर बन गया हम लोग। देश चाहता था कि जनता सुपर पावर बने, ना कि बड़े बड़े पूंजीपति और सुपर पावर बने। इसके लिए मोदी जी को वोट नहीं दिया था। दाढ़ी बढ़ाने से दाढ़ी और बढ़ा लीजिए ना। अभी तो आप बंगाल गए थे, रविंद्रनाथ टैगोर आप कह रहे थे अपने आप, और बढ़ा लीजिए दाढ़ी। सरकार में नहीं आएगा, सरकार में अब वही आएगा जो राहुल जैसे, राहुल गांधी के जैसे साफ सुथरा लड़का, ईमानदार लड़का, जनता का सेवा करने वाला लड़का। या उनकी विचारधारा आप कांग्रेस की लाइन पर चलती नहीं दिखती। तो चलिए रांची से अभिनव कुमार लाइव में जुड़ गए। अभिनव, वैसे लाइम लाइट में आने के लिए तो इरफान अंसारी ने कई तरह के बयान हर बार दिए हैं, लेकिन इस बयान के क्या कुछ आधार निकाले जाए? कुछ हो सकता है क्या वाकई में ऐसा आने वाले समय में, जिस तरह से कोरोना काल के दौर में हमने देखा लोगों के जहन में काफ़ी नाराजगी है, लोग कई जगहों पर ये बोले कि उतना बेहतर सरकार ने काम नहीं किया केंद्र की जितना करना चाहिए था, तो 2024 में क्या कुछ ऐसा हो सकता है क्या? अभिनव, देखिए विधायक जी हैं ये, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी। आपने खुद देखा होगा सागर, और कई बार अब खबर भी चलाते हैं कि इरफान अंसारी कुछ ना कुछ बातों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, तो ये लाजमी सी बात है। नेता जी हैं और मीडिया में और लाइमलाइट में बने रहने के लिए ये बयानबाजी एक पॉइंट ऑफ व्यू से कहे तो जरूर करते हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, मैं एक एक दो एग्जांपल बता दूं। चाहे वो राफिया नाच का मुद्दा गरमाया था जब उन्होंने एक कमेंट किया था राफिया नाच को लेकर, जो ट्रेनर थी। अगर उसके अलावा अगर बात कर ले तो सांसद जो निशिकांत दुबे है देवघर के, जो अगर बात करें तो वहाँ किस तरीके से मैटर था उसको लेकर उन्होंने तल्तीफ नहीं की थी। इसके बाद जो गोड्डा में रेल का परियोजना का शुभारंभ होना था वहाँ पर उन्होंने एक तल्तीफ नहीं की थी। तो कई तरह के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर इरफान अंसारी जो है वो लाइमलाइट में रहते हैं। अब जहाँ तक 2024 का बात है सागर, वो तो जब चुनाव होगा उस समय की क्या परिस्थिति होगी, क्या कुछ विकल्प होंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर जहाँ तक अगर हम 2024 की बात कर ले, जिस तरीके से इरफान अंसारी ने केंद्र को लेकर हमला बोला है, इससे पहले भी वो प्रदेश बीजेपी को लेकर कई बार हमला करते रहते हैं, चाहे वो बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी हो या निशिकांत दुबे हो, कई ऐसे नेता हैं बीजेपी के उनको लेकर जो है इरफान अंसारी हमेशा बयान देते रहते हैं। अब उन्होंने केंद्र को लेकर बयानबाजी करी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा है कि दाढ़ी बढ़ा लेने से कुछ नहीं होगा, 2024 में आपकी जो दाढ़ी है वो हटने वाली है। सीधा साफ तौर पर उनका इशारा था कि 2024 में सरकार आपकी जाने वाली है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया है तो चाय बेचने वाला जैसा काम करिए ना, लोगों को मीठी चाय पिलाइए, ये कड़वाहट वाली चाय पिलाने से कुछ नहीं होने वाला। और ये समय आ चुका है 2024 का, जब चुनाव होगा
तो उस समय जो नेता हमारे राहुल गांधी उभर कर आएंगे, तो कई सारे बातें उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि पश्चिम बंगाल में क्या सीनेरिया देखने को मिला, जहां पर कई बड़े नेता जो है चुनावी रैली में वहां पर देखने को मिले थे, लेकिन आखिरकार जो जीत हुई वो ममता बनर्जी की जीत हुई। तो धीरे धीरे जो है पटकनी जो है वो शुरुआत होने लग रही है, और कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ व्यू देखे सागर तो कहा जा सकता है कि आप देखिए कि 2020 में क्या परिस्थिति बनी थी, जब कोरोना का समय था, लोग बाग जो है माइग्रेट करके आ रहे थे, रोजगार खत्म सा हो गया था, एक 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 मर्माहत जैसी स्थिति देखने को मिल रही थी, कई लोग रास्ते में मर चुके थे, एक भयावह स्थिति उस समय देखने को मिल रही थी, वो आंखों से आप देख ना पाए वो स्थिति थी, हमने भी देखा कि क्या स्थिति बनी लॉकडाउन में। तो शायद एक एक नाराजगी जरूर है प्रधानमंत्री देश के जो नरेंद्र मोदी, उसको लेकर जरूर नाराजगी है। हालांकि अगर हम प्रधानमंत्री के बात करें तो एक ऐसे व्यक्तित्व जो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, उनकी अलग ही पर्सनालिटी है, शायद वो बातों को लेकर हो या जिस तरीके से वो काम करते हैं वो देख लो आप। लेकिन आप ये भी देखो कि जब 2020 में कोरोना का समय था, उसके बाद जब बिहार का चुनाव हुआ वहां पर भी बीजेपी की जीत हुई और जेडीयू और गठबंधन की सरकार वहां पर बनी, लेकिन आप देखिए कि जब 2021 में दूसरा चरण, दूसरा जब लहर आया, उसके बाद जब चुनाव हुए तो थोड़ा सा बैकफुट पर बीजेपी बंगाल में दिखाई दी। तो देखिए अब क्या होगा 2024 में और किस तरीके से सब सारी चीजों को देखना है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक इरफान अंसारी की बात करें तो वो राहुल गांधी को लेकर तारीफ कर रहे थे कि राहुल गांधी एक ईमानदार नेता है और सही तरीके से काम करने वाले हैं। अब कितना सही तरीके से काम करने वाले हैं और कैसे क्या करने वाले हैं ये तो देखने वाली बात होगी। जी सागर, लेकिन अभिनव एक चीज़ और आप देखिए, ये मुझे लगता है कि कोरोना काल का ही ये दौर है और जो जनाधार बीजेपी का घटता हुआ दिख रहा है पिछले 3-4 सालों में विधानसभा चुनावों में, उसी मौके को भुनाने की कोशिश में विपक्ष अब लगा है, क्योंकि सामने यहाँ खड़ा है यूपी विधानसभा चुनाव जिसे मिनी लोकसभा भी कहा जाता है, उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव, तो वहां से लग रहा है कि वो चाहती है कांग्रेस कि हम वापसी करें जो पिछले कुछ सालों में हमने अपनी लोकप्रियता घटाई है। अभिनव, देखिए एक तरफ से अगर हम विपक्ष की बात करें, खासकर अगर कांग्रेस की बात करें, तो मोदी को देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको टक्कर देना बेहद डिफिकल्ट है। आप देखिए ना कि कांग्रेस में क्या स्थिति बनी हुई, आप नेशनल स्तर पर ही देख लीजिए कि राजस्थान में सचिन पायलट और राज जो गहलोत साहब हैं उनके बीच क्या है, और पंजाब में भी स्थिति आप कम वैश वही देख ले, और जिस तरीके से कांग्रेस G23 सम्मेलन जब हुआ था उस समय कई जो बड़े नेता है वो खिलाफ हो गए थे, चाहे गुलाम नबी आजाद की बात कर ले या कई और जो नेता है, वो एक गुटबाजी का दौर चला था, एक तरफ राहुल गांधी तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी का दृश्य देखने को मिल रहा था। तो कांग्रेस में खुद ही गुटबाजी है, जब तक आप एकजुट होकर एक मैकेनिज्म के तहत नहीं काम करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला, और जनता बखूबी जानती है। देखिए एक एक तरफ जनता जान रही है कि विकल्प नहीं है देश में कि किसको हम अगला नेता चुने, शायद यही वजह है कि आप स्थिति देख लेंगे क्या बनती है और बीजेपी फिर से लाइमलाइट में बिल्कुल कामयाब हो पाएगी कांग्रेस। इरफान अंसारी के जो बयान है, देखना होगा कि उनके बयानों में क्या सच्चाई रहती आने वाले समय में, क्या वही वास्तविकता में भी होगा। फिलहाल इतना ही, अभिनव शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।